गाइस, काफ़ी सारे लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन है कि हम चेहरे को गोरा करने के लिए गोरी क्रीम को यूज़ करें, आवकोड़ा क्रीम को यूज़ करें या विम्सम क्रीम को यूज़ करें। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके प्लीज़ एंड तक देखें। गाइस, आपको पता होना चाहिए गोरी क्रीम के ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे और आवकोड़ा क्रीम के ऊपर, विम्सम क्रीम के ऊपर भी बना रखे। बट काफ़ी सारे लोग नीचे कमेंट करते कि कौन सी क्रीम जल्दी गोरा करती है, कौन सी नहीं। तो गाइस, जो गोरी जो क्रीम है और विम्सम जो क्रीम है, एक प्रकार की कॉस्मेटिक क्रीम है, इनको आप हर्बल क्रीम नहीं बोल सकते। बट जो आवकोड़ा जो क्रीम है, पूरी तरह से हर्बल क्रीम है, इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं है। अगर आप इसको लाइफ टाइम भी के लिए यूज़ करना चाहते हो ना, अपने चेहरे को गोरा करने के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए, तो बिल्कुल इसमें ले सकते हो। वैसे गोरी क्रीम और विम्सम क्रीम भी, ये भी आपके स्किन के लिए सेफ है। इनमें जो इंग्रेडिएंट डाले हैं ना, जो केमिकल डाले हो, आपके स्किन के लिए सेफ है। अगर आप उनका भी लाइफ टाइम के लिए भी उसमें लेते हो तो उनसे आपके स्किन के ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट गई जो गोरी जो क्रीम है, आपके चेहरे को जल्दी गोरा करती है, और विम्सम क्रीम में इसका रिजल्ट थोड़ा स्लो आता है। और आवकोड़ा जो क्रीम है, आपको पता है ये जो क्रीम है पूरी तरह से हर्बल है, इसका रिजल्ट आपको थोड़ा स्लो ही देखने को मिलेगा। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए ना, तो कैसे आप गोरी क्रीम को यूज़ करिए, उससे आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई हर्बल क्रीम चाहिए, मतलब कि आपको कोई भी केमिकल वाली क्रीम यूज़ नहीं करनी है, तो फिर आप आवकोड़ा क्रीम को यूज़ कीजिए। वो जो क्रीम आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। और गाइस, गोरी जो क्रीम है, एक्चुअल में हर किसी को सूट नहीं होते। जिनको सूट हो जाए उनको अच्छा रिजल्ट आता है। अगर किसी को सूट नहीं होते ना, तो उनके स्किन पर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाता है। उनके स्किन के ऊपर पिंपल्स आने लगते हैं, उनके स्किन पर रेडनेस होने लगती है। गाइस, अगर आपको कोई हर्बल क्रीम यूज़ करनी है ना, मतलब कि आपको कोई भी केमिकल वाली क्रीम यूज़ नहीं करनी है, तो आप आवकोड़ा क्रीम को यूज़ में लीजिए। ये जो क्रीम आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। बट अगर आपको केमिकल वाली क्रीम यूज़ करनी है, बट आपके स्किन के ऊपर किसी भी तरह का रिएक्शन ना होना, तो फिर आप विम्सम क्रीम को या गोरी क्रीम को इसमें ले सकते हो। गाइस, विम्सम क्रीम ना, इसमें भी थोड़ी कमी केमिकल डाले, गोरी क्रीम में थोड़ी केमिकल ज़्यादा है। बट वो मैंने आपको बता रखा कि आपके स्किन के लिए सेफ है। लेकिन यार, आपको पता होना चाहिए कोई भी केमिकल अगर आप हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो वो भी आपके स्किन के लिए हानिकारक होता है। इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने चेहरे को गोरा करना चाहते हो ना, तो गाइस आवकोड़ा जो क्रीम ना आपके लिए काफ़ी अच्छी है। ये जो क्रीम है पूरी तरह से हर्बल है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं, कोई स्टेरॉयड नहीं है। अगर आप अपने चेहरे को गोरा करना चाहते हो, तो आप आवकोड़ा क्रीम को यूज़ में लीजिए। रिजल्ट आपको थोड़ा स्लो देखने को मिल जाएगा, बट काफ़ी दिनों में अच्छा खासा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, मतलब कि आप पेशेंस नहीं रख सकते हो, तो फिर आप गोरी क्रीम को इसमें ले सकते हो। ये जो क्रीम आपके चेहरे को जल्दी गोरा कर देती है। बट गाइस, ये केमिकल वाली क्रीम है, आप इसको हर्बल नहीं बोल सकते हो। गाइस, वैसे तीनों जो क्रीम ना काफ़ी अच्छे, बट इन तीनों में कंपेरिजन किया है तो कोई एक ही क्रीम विनर होगी। अगर आप अपने चेहरे को गोरा करना चाहते हो ना, तो गाइस आप आवकोड़ा क्रीम को यूज़ में लीजिए। ये जो क्रीम है हर्बल है, आपके चेहरे के लिए नुकसानदायक नहीं है। अगर आप इन तीनों को ऑनलाइन बाय करना चाहते हो ना, तो मैंने स्क्रीन के ऊपर कंपनी के ऑफिसर सेलर का नंबर दे रखा है, वहाँ से आप इस क्रीम को 100% ओरिजिनल बाय कर सकते हो, ठीक है। और आपके उनमें जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन इन तीनों क्रीम के बारे में, नीचे कमेंट कर देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, वो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ओके बाय।